वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रंग बिरंगे फ्लावर्स के बारे में और देखेंगे कुछ सवालों के जवाब। जैसे फ्लावर्स होते ही क्यों हैं, इनकी क्या जरूरत होती है पौधों को, रंगीन क्यों होते हैं ये फ्लावर्स और इसके पीछे क्या रीजन है। तो आइए देखते हैं कुछ सवालों के जवाब। देखिए, प्लांट्स में फ्लावर होने का मेन रीजन है पौधे सर्वाइव कर सके, रिप्रोडक्शन या जनन की क्रिया कर सके। ये किस प्रकार संभव है, इसको फ्लावर्स के कलरफुल होने के पीछे क्या कारण है। देखिए, जो कलर फ्लावर्स रिफ्लेक्ट करता है वो उसमें उपस्थित रंजकों या पिगमेंट्स के कारण होता है। ठीक है, किनके कारण होता है, पिगमेंट्स के कारण। दरअसल पौधों में दो तरीके के पिगमेंट्स या रंजक होते हैं, पहला है एंथोसाइनिन और दूसरा है प्लास्टिड। ये पिगमेंट्स पौधों में रस में मौजूद होते हैं, जो पौधों में रस होता है उनके अंदर ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण की पौधों में कलर आता है और उनके फूलों में कलर आता है। एंथोसाइनिन से लाल, कासनी, नीला, जामुनी और बैंगनी रंगों का निर्माण होता है, जबकि प्लास्टिड में क्लोरोफिल, कैरोटीन और जेंथाफिल शामिल होता है। इससे हरे, नारंगी और पीले रंगों का निर्माण होता है। इसी कारण पत्ते पतझड़ में पीले या नारंगी कलर के होते हैं। जब पतझड़ आता है तो पत्तों का कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ब्राउन या येल्लो टाइप का हो जाता है, वो इसी कारण से होता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के रंग तितलियों, मधुमक्खियों और अदर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि फूलों में उपस्थित परागकण का ट्रांसफर अदर फूलों और पौधों में हो सके, जिससे फल और बीजों का निर्माण होता है। देखिए, एक बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर दुनिया में सारी मधुमक्खियां हटा दी जाए तो दुनिया 4 साल में ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मधुमक्खियां परागकण को ट्रांसफर करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। इंटरेस्टिंग साइंस से रिलेटेड खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।